morning students. Today we are going to start chapter 1 life processes, topic transportation and subtopic blood vessels. Okay students, तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन. ओके स्टूडेंट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन हम लोग डिस्कस कर चुके थे और उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें था डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड नेसेसिटी ऑफ डबल सर्कुलेशन. ओके, तो अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है ब्लड वेसल्स. तो जैसे कि हमने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो उसमें हमने बताया था कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट था हमारा सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी में हमें डिस्कस करना था ब्लड के बारे में. सेकंड था हमारा पंपिंग ऑर्गन जिसमें हार्ट डिस्कस करना था. और थर्ड था कंडक्टिंग ट्यूब्स जिसमें की आती है ब्लड वेसल्स. तो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया सर्कुलेटरी में ब्लड को, सेकंड था हमारा पंपिंग ऑर्गन जिसमें हमने हार्ट को डिस्कस किया, और थर्ड हमारा आता है कंडक्टिंग ट्यूब जिसमें हमें ब्लड वेसल्स को डिस्कस करना है. ओके, तो अब हम ब्लड वेसल्स पे आते हैं. ब्लड वेसल्स क्या है? द ब्लड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ब्लड वेसल्स कैसी होती है स्टूडेंट्स? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. दे ओरिजिनेट एंड एंड इन द हार्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन ऑफ ब्लड. ये हार्ट से ही ओरिजिनेट होती है और वहीं एंड होती है. कब? आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन ऑफ ब्लड. ठीक है, ये वेरियस डायमीटर की होती है. ठीक है, और इसके बेस में इनको इनकी थ्री कैटेगरी डिवाइड की गई. मतलब कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनकी, इनको थ्री टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है हमारा जिसको हम कहते हैं आर्टरीज, सेकंड वेन्स, और थर्ड कैपिलरीज. ओके स्टूडेंट्स, आर्टरीज जो होती हैं कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंडर प्रेशर. जो आर्टरीज होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी लेकिन अंडर प्रेशर, मतलब उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा. एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. ये हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जब हम लोग बात करेंगे आर्टरी की और वहां पे डिस्कस हो रहा होगा कि जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो हमें वहां पे ये चीज बताना है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. क्योंकि जब हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो राइट वेंट्रिकल से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती है. इसीलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस में आती है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि आर्टरीज वो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है अंडर प्रेशर. तो वहां पे पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शनल में आएगी क्योंकि वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती है. कहां से? राइट वेंट्रिकल से. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वेन्स की. वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विदाउट प्रेशर. जो वेन्स होते हैं वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो, ऑक्सीजन लो परसेंटेज में हो या बहुत ही कम हो या ना हो, उसे हम कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो जो वेन्स होती हैं वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं विदाउट प्रेशर, मतलब कि इनके ऊपर कोई प्रेशर इस तरीके का नहीं होता है. लेकिन यहाँ भी हम एक एक्सेप्शनल केस देखेंगे, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को डिस्कस करते समय हम लोगों ने क्या देखा था कि पल्मोनरी वेन जो थी वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती थी और लेफ्ट ऑरिकल में देती थी. मतलब कि पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है और कहाँ डालती है? लेफ्ट ऑरिकल में. यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं वेन की. वेन क्या कर रहे हैं? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है, इसीलिए ये एक्सेप्शनल केस में है. तो हम यहाँ पे देते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. केवल पल्मोनरी वेन को छोड़कर बाकी जो वेन है वो क्या करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सॉरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे. फिर हम बात करते हैं कैपिलरीज की. तो कैपिलरीज क्या है स्टूडेंट्स? कैपिलरीज जो है वो आर्टरी और वेन जहां पे एक दूसरे से कनेक्ट होती है, लिंक होती है ना, तो वहां पे कैपिलरीज फॉर्म होती है.
ओके अब हम बात करेंगे आर्टरीज की। तो आर्टरीज आर थिक वॉल, आर्टरीज की वॉल कैसी होती है, थिक होती है, मोटी, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, आप जो जो आर्टरी की वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, ये क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है अंडर प्रेशर, इनके ऊपर हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है। ओके, ये कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है और कहाँ से कहाँ ले जाती है, ये हार्ट से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ये आगे चलकर यही आर्टरीज आर्टरियोल्स में डिवाइड होती हैं और आर्टरियोल्स के बाद ये कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। वही कैपिलरीज बाद उधर वेन्यूल से भी, आर्टरी से भी ऐसे होगा, सॉरी वेन से भी होगा, अभी वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आर्टरी जो है वो फाइनली आगे चलकर फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिन्हें हम कहते हैं आर्टरियोल्स, और आर्टरियोल्स आगे चलकर वेन, सॉरी आर्टरियोल्स आगे चलकर कैपिलरी में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं जो आर्टरीज है हमारा, हमारी ये कैसी होती है, ये डीप सीटेड होती है। जैसे हम अपने आप को यहाँ पे देखते हैं तो ये जो दिखाई दे रही है ऊपर हमें, ये वेन्स होती है। आर्टरीज यहाँ पे होती है डीप सीटेड, मतलब काफी गहराई में होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज हम और डिस्कस करना चाहेंगे कि कब हम लोग जनरली जब कोई फिगर डायग्राम ड्रा करते हैं तो हम वहाँ पे आर्टरी को रेड कलर से और वेन को ब्लू कलर से, है ना, इंडिकेट करते हैं। तो ये केवल इंडिकेशन अपने एक अपने फैसिलिटी के लिए है कि हम उसे डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाए कि आर्टरी कैसी है और वेन, आर्टरी कौन सा है और वेन कौन सा है। ओके, लेकिन जनरली ऐसा कुछ है नहीं कि आर्टरी जो होती है वो मतलब इस रेड कलर से और वेन जो है वो ब्लू कलर से, वेन जो है वो ब्लू कलर की नहीं होती। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो ब्राइट रेड होता है और वेन के अंदर जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा एलोइश रेड होता है, लाइट हम कह सकते हैं, लाइट रेड होता है, तो वो एलोइश रेड होता है। इसीलिए हम केवल अपनी एक सुविधा के लिए कि दोनों में डिफ्रेंशिएशन कर पाए, इसीलिए जब कभी हम कोई डायग्राम ड्रा करते हैं तो इस तरीके से ड्रा करते हैं। लेकिन आप ये ना समझिएगा कि वेन्स के अंदर ब्लड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वेन्स के अंदर कैसा ब्लड होता है, लाइट रेड, एलोइश रेड जिसको हम बोल सकते हैं, और आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड होता है, ये होता है डार्क, थोड़ा सा ब्राइट रेड। ओके, अब हम वेन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज हम और बताते चले कि जो अब आप यहाँ पे एक चीज कहेंगे कि जो वेन्स है ये कभी कभी कैसी दिखाई देने लगती है, जो काफी ओल्ड एज के पर्सन हो जाते हैं उनकी वेन्स और भी ज्यादा सुपरफिशियल होती है ऊपर की तरफ, तो उनकी वेन्स हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है। फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ब्लू कलर की दिखती भी है, केवल हम डायग्राम में ही नहीं दिखाते, तो वो मसल्स की वजह से दिखाई देती है, वो वेन का अपना कलर नहीं होता। ठीक है, तो अभी हमने बात की आर्टरी की, आर्टरी क्या होती है, इनकी वाल थिक होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ये हार्ट से ब्लड को लेती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाती है। सेकेंड हम पॉइंट देख रहे थे आर्टरी का, उसमें क्या था कि आर्टरीज जो है वो फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होती है। आगे चलकर यही आर्टरीज जो फाइन ब्रांच में डिवाइड हुई वो फाइन ब्रांच आर्टरियोल्स कहलाएंगे और आर्टरियोल्स कैपिलरी में कन्वर्ट होगी। थर्ड था आर्टरीज जो है हमारी वो क्या होती है, डीप सीटेड होती है, मतलब गहराई में होती है। नेक्स्ट हम आते हैं वेन्स। ठीक, तो वेन्स की जो वाल होती है वो थिन होती है, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके कहां लेके आते हैं, हार्ट तक लाते हैं वापस, क्योंकि इनको क्या कराना होता है, ऑक्सीजनेशन कराना होता है ब्लड का। तो विदाउट एनी प्रेशर, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था आर्टरीज के ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन वेन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं विदाउट प्रेशर, इनके ऊपर कोई इस तरीके का प्रेशर नहीं होता। ठीक है, ये बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड को ले जाती है, लेकिन इनके अंदर एक वाल्व भी होता है वेन्स में, जिससे कि ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। अब हम बात करेंगे कि जो वेन्स है वो आर्टरी की तरह ही आगे चलकर फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिन्हें हम वेन्योल्स कहते हैं, और बाद में ये कैपिलरी फॉर्म करती है, जॉइन होती है।
नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट वेन का। तो जो वेन है हमारी वो कैसी होती है? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब कि ये हमें ऊपर की तरफ भी दिखाई देती है, ऊपर से ही हम वेन्स को क्लियरली देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारा आर्टरी हो गया, वेन हो गया, अब हम बात करेंगे कैपिलरीज की। तो कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड माइक्रोस्कोपिक वेसल्स। कैपिलरी कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती है ना, माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती हैं, नियर अबाउट 8 माइक्रॉन इन डायमीटर। इनका डायमीटर कितना होता है? लगभग 8 माइक्रॉन। जो कैपिलरी है हमारी वो आर्टरी और वेन के ज्वाइनिंग से बनती है, मतलब कि दीज आर लिंक बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ये जो कैपिलरी है ये आर्टरी और वेन के बीच की एक लिंक होती है ना, एक ज्वाइनिंग है, दोनों के ज्वाइनिंग से बनती है। तो दीज कैरी ब्लड फ्रॉम आर्टरियोल्स। ये ब्लड को कहां से कैरी करती है? आर्टरियोल से टू स्मॉल वेन्यूल्स। ओके, द वॉल ऑफ कैपिलरी इज फॉर्मड ऑफ सिंगल लेयर। जो कैपिलरी की वॉल होती है वो सिंगल लेयर की बनी होती है। दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। हमने सुना होगा कि किसी भी तरीके का एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहाँ पे होता है? तो कैपिलरी में। तो कैपिलरी की वॉल सिंगल लेयर की बनी होती है, इसीलिए ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने डिस्कस किया, आज जो टॉपिक हमारा अभी चल रहा था उसमें हमने डिस्कस किया ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के जो टाइप थे वो कौन कौन से हैं? ब्लड वेसल्स हमारे 3 टाइप्स के हो गए, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। हमने आर्टरी, वेन और कैपिलरी को अच्छे से डिस्कस किया। ओके, अब इन तीनों का डायग्राम भी आप ड्रा करेंगे। बुक में आपको एक डायग्राम मिलेगा जिसमें आपको दिखाया गया होगा कि आर्टरी एक साइड में इस तरीके का फिगर आपको देखने को मिलेगा, एक साइड में आर्टरी, दूसरी साइड में ये वेन, और यहाँ से ऐसे ये निकल रही है, इनकी ऐसे जॉइनिंग होती है जिससे कि कैपिलरी फॉर्म होती है। तो इस तरीके का डायग्राम आपको दिखेगा बुक में, तो वो आप ड्रा कर देंगे, उसमें आपको आर्टरी, वेन और कैपिलरी तीनों चीजें एग्जैक्ट दिख जाएंगी। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, जिसमें कि आपको क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राइट। हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बोर्ड में इससे क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिफरेंस राइट, डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, तीनों को कंबाइन करके पूछा जा सकता है। या इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो आप आर्टरी और वेन के बीच में 3 डिफरेंस देंगे, अगर डायग्राम आप अच्छे से दे सकते हैं तो डायग्राम जरूर दीजिएगा, क्योंकि बायो में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, बीपी। तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर, इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल ऑफ अ ब्लड वेसल्स बाई ब्लड। ब्लड वेसल्स के वॉल पर ब्लड के थ्रू जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। मतलब कि जैसे ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करता है, किस समय? जब वो फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो उससे जो जो प्रेशर को क्रिएट करता है उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। द प्रेशर इन आर्टरीज इज मोर देन इन वेन्स, ठीक है। वेन्स के कंपैरिजन में आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है। अब ये जो ब्लड प्रेशर है ये 2 टाइप का होता है। ओके, तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया? ब्लड प्रेशर इज अ फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स बाय ब्लड। ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर ब्लड के थ्रू जो फोर्स एग्जर्ट किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर में BP। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म है सर। अब इसके मतलब ब्लड प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं, एक होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर, हम सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है कि जब ब्लड, ओके, सिस्टोलिक प्रेशर को प्रेशर
है जिसमें कि ब्लड जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है जिसमें कि वेंट्रिकल की जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड को फोर्स करती है, मतलब कि जैसे कि लेफ्ट आर्टिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, उस ब्लड को फोर्स किया जाएगा एओर्टा में, तो वेंट्रिकल की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उस ब्लड को फोर्स करती है एओर्टा में, जिससे कि वो ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा सके। उस समय ब्लड वेसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। जो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट आता है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, ओके, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है स्टूडेंट्स? इस फोर्स के बाद जो सिस्टोलिक प्रेशर क्रिएट हुआ, उसके बाद जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स कंडीशन में जाती है। मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स कब होगी? जब आर्टिकल से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, तब वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ता है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड उसके अंदर कलेक्ट हो सके, तो उस समय वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में जाती है। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में जाती है तो जो प्रेशर है आर्टरीज के ऊपर या ब्लड वेसल्स के ऊपर वो धीरे धीरे कम होता है, प्रेशर गोज डाउन, धीरे धीरे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और हम इसे क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ओके, ड्यूरिंग फिलिंग के समय जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, मतलब रिलैक्सेशन जिसे हम कहते हैं, है ना, उस टाइम पे आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में जाएगा तो आर्टरी के ऊपर प्रेशर कम होगा, ठीक है, वो प्रेशर कहलाएगा डायस्टोलिक प्रेशर। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को फोर्स करेगा एओर्टा में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजने के लिए, उस समय आर्टरी के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ओके। अब इसको डिनोट करने का एक तरीका है, हम लिखते हैं ब्लड प्रेशर और ऊपर लिखते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। हम इसको इस तरीके से भी नोट करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो होता है 80 mmHg, ओके, क्लियर हुआ? तो ये कहलाता है सिस्टोलिक, जिसे हम लिखते हैं 120 mmHg, और ये कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर, जिसे हम लिखते हैं 80 mmHg, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, जिसे हमने पढ़ना है वो है हमारा पल्स। पल्स क्या है? पल्स इज द प्रेशर, पल्स इज द प्रेशर आर्टरी एक्सपीरियंसेस व्हेन ब्लड इज बीइंग पंप्ड बाय द हार्ट। मतलब कि हार्ट के द्वारा, हार्ट के थ्रू जब ब्लड को पंप किया जाता है तो जिस प्रेशर को आर्टरी एक्सपीरियंस करती है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे हार्ट ने ब्लड को पंप किया, हाँ ठीक है, तो जब हार्ट पंप करेगा तो ब्लड फोर्स के साथ कहाँ जाएगा, आर्टरी के अंदर, तो उस प्रेशर को जो आर्टरी एक्सपीरियंस करती है, फील करती है, उस प्रेशर को हम कहते हैं, है ना, पल्स, ओके। द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज मच थिकर एंड पंप्स ब्लड एट हाई प्रेशर। हमने बताया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ाते समय कि जो राइट वेंट्रिकल होता है उसके कंपैरिजन में लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थोड़ी थिक होती है, क्योंकि वो ज्यादा फोर्स के साथ ब्लड को क्या करती है, ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को फोर्स करती है,
कि वो एओर्टा पे जाए और एओर्टा से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाए, क्योंकि उसे क्या करना है, ब्लड को बॉडी के पूरे पार्ट में पहुंचाना है, मतलब ब्रेन से लेकर टो तक बॉडी के सारे ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाना है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल है वो राइट वेंट्रिकल की वाल में थोड़ी थिक होती है, क्योंकि वहां पे वो ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को फोर्स करती है। व्हेन द वेंट्रिकल रिलैक्स द प्रेशर गोज डाउन, तो जब वेंट्रिकल ज्यादा फोर्स के साथ ब्लड को पुश करेगी उस समय आर्टरीज के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, और भेजने के बाद वेंट्रिकल क्या करती है, रिलैक्स कंडीशन में चली जाती है, क्योंकि जितना ब्लड उसके पास था उतना तो उसने फोर्स कर दिया एओर्टा में कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाओ। उसके बाद अब क्या हुआ, एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, अब उसमें ब्लड आना है लेफ्ट ऑरिकल से, तो वो क्या करेगा, वेंट्रिकल खाली है ना, तो वो क्या करेगा, वो ब्लड को लेगा। तो फिलिंग होते समय, ब्लड की फिलिंग होते समय वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल क्या होती है, रिलैक्स कंडीशन में होती है, उस समय प्रेशर आर्टरी के ऊपर थोड़ा सा कम हो जाता है। द स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ द आर्टरीज, जो आर्टरीज का ये बार बार स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग है ना होता है विद ईच हार्ट बीट, कैन बी फेल्ट एज पल्स, हर हार्ट बीट के साथ उसी को हम पल्स के फॉर्म में फील करते हैं। ओके, हम बार बार क्या होगा, कभी प्रेशर ज्यादा होगा तो स्ट्रेच होगी है ना, और कभी प्रेशर कम होगा आर्टरी में तो आर्टरी रिलैक्स होगी। तो ये बार बार जो स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग ये जो चलता रहेगा आर्टरीज का, किसके कारण, हार्ट बीट के कारण, हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है उसकी वजह से, तो इस प्रेशर को जो आर्टरी फील करती है उसी को हम कहते हैं पल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये जो हम लोगों का टॉपिक था ये क्लियर हुआ। अब हम लोगों का जो ये टॉपिक है उसमें थोड़ा सा एक चीज और बचता है, लिम्फ। तो लिम्फ हम यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें क्लियर कर दें, क्योंकि अब हम लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अभी हम यहाँ पे आपको लिम्फ थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। लिम्फ के बारे में बहुत ज्यादा यहाँ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल लिम्फ को थोड़ा सा जान लेना है, बाकी और उसमें ब्रॉड सिलेबस नहीं है कि पूरा लिम्फेटिक सिस्टम कैसे होता है, लिम्फ कैसे होता है, इस इतना नहीं। यहाँ पे केवल तुम्हें जानना है कि व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ है क्या, ठीक है, लिम्फ, ठीक। यहाँ पे लिम्फ को डिफाइन कर रहे हैं, लिम्फ क्या है, लिम्फ इज अनदर सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ठीक है, लिम्फ ब्लड के बाद एक दूसरा, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के बाद एक दूसरा सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन द बॉडी, ये भी बॉडी के अंदर मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। इट इज आर्म्ड बाय द प्रोटीन्स प्लाज्मा एंड सम ब्लड सेल्स एस्केप फ्रॉम द ब्लड, ये किससे बना होता है, कुछ प्रोटीन प्लाज्मा और कुछ ब्लड सेल्स से, जो कहां से निकलती है, ब्लड सेल्स से ही। अब ब्लड सेल्स से कैसे निकलेंगी, एस्केप्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स, सॉरी, तो ब्लड वेसल्स से जो एस्केप कर जाती है, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल्स। अब हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसमें हमने बताया था कि फाइन पोर्स होते हैं, और फाइन पोर्स जो होते हैं उससे चीजें फिल्टर हो सकती है। ये हम सपोज कर रहे हैं कि ये क्या है, एक कैपिलरी है, इस कैपिलरी में फाइन पोर होंगे, तो इस कैपिलरी के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो उससे क्या होती है, कुछ चीजें फिल्टर हो जाती है, ठीक है। ये क्या है, कैपिलरी है, कैपिलरी के आसपास क्या होंगी, कुछ सेल्स होंगी, तो जब प्रेशर ज्यादा होता है कैपिलरी के ऊपर तो ब्लड के अंदर जो कुछ मटेरियल है, जैसे कि अभी हमने बताया प्लाज्मा प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल्स आरबीसी को छोड़कर, कुछ चीजें फिल्टर हो जाती है, मतलब कि इनसे एस्केप कर जाती है, इन पोर से बाहर आ जाती है कैपिलरी से, और वो कहाँ इकट्ठी हो जाती है, ये जो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, ये ऐसे यहाँ से निकलेंगी, इसमें इकट्ठी हो गई है ना, यहाँ पे आ गई, ऐसे मतलब पूरे सेल्स के बीच में ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इस स्पेस में कलेक्ट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लिम्फ। ओके, तो यही तुम्हारा क्या है, लिम्फ। ओके, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे
वो हम आपको बाद में क्लियर कराएंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, ब्लड वेसल्स डिस्कस किया, ब्लड वेसल्स के टाइप्स आर्टरी वेन और कैपिलरीज थ्री टाइप्स थे, फिर ब्लड प्रेशर को डिस्कस किया, पल्स डिस्कस किया और लास्ट जो हमारा था लिम्फ। तो ये हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ है क्या। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का जो होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हम लोगों ने आज कंप्लीट कर दिया ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।